हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज लीवर्ड साइड। तो वो लीवर्ड साइड हमको बताना है इसमें। सो फर्स्ट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर। एंड द की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्योंकि लीवर्ड साइड का मतलब होता है रेन शैडो एरिया, जहाँ पे रेन नहीं होती है। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है पहले कि रेन होती कैसे है। सो हम की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि हाउ डज रेनफॉल अकर। तो हम इसको स्टेप बाय देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है रेनफॉल में? सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, और वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज तो वाटर वेपर है। सेकंड स्टेज इसकी आती है जब ये टेम्परेचर रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है एज वाटर वेपर राइजेस। तो ये कंडेंस हो जाती है वाटर वेपर, एंड कंडेंस होके इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड फॉर्म्स क्लाउड। एंड इन द थर्ड स्टेप एज वी नो कि क्लाउड क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। सो व्हेन क्लाउड is unable to hold any more water droplets anymore, मतलब जब क्लाउड की कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है और वो ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर सकता और भी ज्यादा, तो क्या होता है, क्लाउड बस्ट हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट एंड गिव्स रेनफॉल। तो हमने देखा कि चार स्टेप में, पहला तो वाटर वेपर अंडर द हाई टेम्परेचर अंडर सोलर इंसुलेशन, वाटर क्या होता है, हीट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एंड एज यू नो क्लाउड हैज अ कैपेसिटी, और जब वो कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, उसे ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होल्ड नहीं कर सकता है, तो क्लाउड रिलीज कर देता है वाटर ड्रॉपलेट्स को, और रेनफॉल के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स आ जाती है ग्राउंड पे। तो ऐसे हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट इज लीवर्ड साइड। एक्चुअली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एक माउंटेन है, तो माउंटेन का एक साइड होता है लीवर्ड साइड, एक होता है विंडवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड उस साइड को कहते हैं जहां पे रेन कभी पहुंच नहीं पाती है। लीवर्ड साइड इज द एरिया वेयर रेन डज नॉट अकर। एंड विंडवर्ड साइड वो है जहां पे रेनफॉल होता है। तो जैसे माउंटेन का कोई भी साइड है, जिस साइड पे, क्योंकि माउंटेन ब्लॉकेट की तरह एक हाइट की तरह काम करता है, तो मान लीजिए ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ रेनफॉल होगी, तो हम इसको इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए विंड जाएगी, क्लाइंब करेगी माउंटेन को, और एक टाइम पे सैचुरेटेड हो जाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन जैसे जब रेनफॉल हो जाती है, तो उसके बाद इसमें मॉइस्चर बचता नहीं है विंड में, तो विंड हो जाती है एकदम ड्राई। तो जब ये नेक्स्ट साइड पहुंचती है ना माउंटेन के अदर साइड, तो वहां पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता, जीरो रेनफॉल। अब जीरो रेनफॉल की वजह से ही इस साइड को कहते हैं, माउंटेन की इस साइड को कहते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड हमने क्या बताया, लीवर्ड साइड को एरिया या फिर साइड वेयर रेन डज नॉट अकर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।